हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रसोई लाइफस्टाइल। मैं हूँ मेगा। आज हम बनाएंगे मटर पनीर की सब्जी, जो सबकी फेवरेट रहती है। बहुत ही कॉमन इंग्रेडिएंट के साथ तैयार हो जाती है। मटर और पनीर का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही बढ़िया है। इसे आप रोटी, पराठा और नान के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक बर्तन में 2 कप पानी ले लेना है और उसे अच्छे से उबाल लेना है। पानी अच्छे से उबल चुका है तो अब उसमें 2 कप मटर डाल देंगे। यहाँ पर आप 2 से 3 मिनट तक मटर को उबाल ले ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर मटर अच्छे से उबल चुका है तो गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और पानी को छानकर इसे निकाल ले। अब आगे एक बॉल में मेलन सीड्स और काजू को ले लेंगे। इसके अंदर गर्म पानी डाल देना है और इसे 20 मिनट तक हमें भिगो कर रखना है। अब हम एक पैन में तेल डालकर उसे गरम कर लेंगे। यहाँ पर मैंने टमाटर को इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। तो तेल गरम होते ही हम टमाटर को इसमें डाल देंगे और इसी के साथ में 2 हरी मिर्च और अदरक को डाल देंगे और इसे हमें 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लेना है। टमाटर को हमें सॉफ्ट होने तक पका लेना है। तो यहाँ पर इसे छोड़ दे ताकि टमाटर अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टमाटर पहले से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा हो जाने दे। इसके बाद उसको ब्लेंड कर लेना है। इसकी एक स्मूथ प्योरी बनाकर तैयार कर लेनी है। अब आगे हमें एक बाउल में 1 बड़ा चम्मच तेल ले लेना है। तो अब इसमें मसाले डाल देंगे। सबसे पहले रेड चिली पाउडर ले लेंगे। इसी के साथ में जाएगा धनिया पाउडर, हल्दी, जीरा पाउडर, काला नमक यानी कि ब्लैक सॉल्ट, स्वाद अनुसार नमक और लास्ट में कसूरी मेथी डाल देंगे। फिर इस सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम पनीर लिया है, जिसे मैंने छोटे क्यूब्स में पहले से ही कट कर लिया है। अब पनीर के पीसेस को मसाले में डाल देंगे। अब सारे पनीर को मसाले के साथ अच्छे से कोट कर लेना है। आप चाहे तो पनीर के बड़े पीसेस भी कर सकते हैं। आगे गरम पैन में तेल डाल देंगे और जैसे ही तेल गरम हो जाए इसमें पनीर के पीसेस को डाल देना है और इसे हमें हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पनीर अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो उसे एक बाउल में निकाल कर साइड में रख देना है। अब एक मिक्सी जार में हमने जो भिगो कर रखे हुए थे वो मेलन सीड और काजू को डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसकी हमें एक पेस्ट तैयार कर लेनी है। अब हम क्या करेंगे, एक बड़े से पैन को गरम कर लेंगे और इसमें तेल डाल देंगे और तेल के अंदर जीरा डाल देंगे। जीरा जैसे ही फूटने लगे तब इसमें अदरक, दालचीनी और काली इलायची को डाल देंगे। अब इस तीनों को तेल में थोड़ी देर पका दे ताकि उसका सारा फ्लेवर तेल में आ जाए। गैस का फ्लेम यहाँ पर मीडियम रखें। अब इसमें मेलन सीड्स और कैश्यू की जो हमने पेस्ट तैयार की थी वो डाल देंगे और उसे 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि ये पैन में चिपके ना और उसे 1 से 2 मिनट तक और पका लेंगे। पेस्ट यहाँ पर पक चुकी है तो अब इसके अंदर रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, किचन किंग मसाला, मैं यहाँ पर किचन किंग का मसाला यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो आप गरम मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं, जीरा पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर मसाले को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेना है।
मसाला अच्छे से भून चुका है, तो अब इसमें तैयार की गई हुई टमेटो की प्योरी को डाल देंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर हमें इसे मसाले में से तेल छूटने तक पका लेना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 से 4 मिनट के बाद मसाले में से अच्छे से तेल छूट चुका है, ये अच्छे से भून चुका है, कलर भी बहुत ही बढ़िया आ चुका है। अब इसके अंदर उबले हुए मटर डाल देंगे और उसे 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे ताकि मटर थोड़े और सॉफ्ट हो जाए। तो उसे मैं ऐसे ही 2 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। 2 मिनट के बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मटर और मसाला अच्छे से पक चुका है। तो अब हम इसमें 2 कप पानी ऐड कर लेंगे। ग्रेवी की थिकनेस आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे हमें मीडियम फ्लेम पर 5 से 6 मिनट तक ढककर पका लेना है। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें जो फ्राई किया हुआ पनीर था वो उसमें डाल देंगे और उसे अच्छे से मिला लेना है। और पनीर मिलाने के बाद 3 से 4 मिनट तक और पका लेंगे ताकि पनीर ग्रेवी में अच्छे से सेट हो जाए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सब्जी में अच्छे से तेल छूट चुका है। यहाँ पर हमारी सब्जी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, तो अब लास्ट में इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे और इसी के साथ में थोड़ा सा 2 चम्मच फ्रेश क्रीम डाल देंगे। क्रीम यहाँ पर ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। और उसे अच्छे से मिलाकर 1 से 2 मिनट तक पकने देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी सब्जी तैयार हो चुकी है, तो अब उसमें ऊपर से धनिया डाल देंगे। तो यहाँ पर हमारी टेस्ट में मज़ेदार गर्मा गर्म मटर पनीर की सब्जी तैयार हो चुकी है। तो गैस को बंद कर लेते हैं और उसे एक सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं। इसे आप रोटी, नान, पूरी, कुलचा या पराठा के साथ सर्व करें, ये डिश सभी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप भी अपने घर पे ये मटर पनीर की सब्जी ज़रूर से बनाएं, ये डिश आपको पसंद आएगी। अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक और शेयर करें। मिलेंगे वापस एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।